हम लोग कृष्ण भगवान के रूप में बाबा श्याम के शीश को पूजते हैं, लेकिन कौन है बाबा श्याम? युद्ध पांडव कुल का दीपक है, बरब्रीक बलकारी। और भक्तों, मुझे पता लगे कि आप भजन सुन रहे हो, ज्यादा नहीं तो मीठी मीठी ताली बजा के हिलते रहना। क्यों? खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी, खाटू वाले धनी की कथा सुना दूं सारी। पांडव कुल का दीपक है यो, पांडव कुल का दीपक है यो, बरब्रीक बलकारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी, खाटू वाले बोलिए श्याम प्यारे की। नाम बरब्रीक, इनकी मां का नाम कई लोग कहते कि ये मोरवी नंदन है, कई लोग कहते ये अहलावती का लाल है, लेकिन आपको ओरिजिनल नाम बताता हूं, इनकी माता का नाम है काम कर कंकटा, लेकिन हम इन्हें मोरवी नंदन कहते हैं। मात मोरवी ने जन्म दिया, मात मोरवी ने जन्म दिया, लालन पालन ठीक करा, बाल घने घुंघराले देख के सही नाम बरब्रीक धरा। बाल घने घुंघराले देख के सही नाम बरब्रीक धरा। पोता हो गया भीमसेन के, भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के लड़के बरब्रीक थे। पोता हो गया भीमसेन के, बाग्या डोले चाव भरा, चंद्रवंश ने तारे गायो सही निभावे परंपरा। चंद्रवंश ने तारे गायो सही निभावे परंपरा। घटोत्कच भी हो गया राजी, ये भजन चल रहा है भाई साहब, भाई साहब हेलो, हुक्का अलग करो, ये भजन चल रहा है, रागनी नहीं है, बिल्कुल अलग करो। इस भजन के बाद पिलाना जितना पिलाने वाले हो प्लीज। घटोत्कच भी राजी हो गया, सुन बेटे की किलकारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दो सारी, पांडव कुल का दीपक है यो, बरब्रीक बलकारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दो सारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दो सारी। माँ अहलावती के गर्भ से घटोत्कच का पुत्र हुआ, घुंघराले बाल थे, नाम रख दिया बरब्रीक। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कौन गुरु बनेगा इस बात की चिंता हुई। सजनों, कौन गुरु बना, किससे शिक्षा ली, किससे धनुष लिया और किससे वे तीन बाण लिए, क्या बता दिया? प्रथम गुरु मिली माता, प्रथम गुरु मिली माता, जिन युद्ध कला का ज्ञान दिया, दिव्य शस्त्र लेने की खातर भोले का आह्वान किया। दिव्य शस्त्र लेने की खातर भोले का आह्वान किया। फिर प्रकट होके भोले ने तीन बाण का दान दिया, तीन लोक ने जीतेगा ईसा भोले ने वरदान दिया। तीन लोक ने जीतेगा ईसा भोले ने वरदान दिया। गुरु बनी खुद माँ, शस्त्र किससे लिया? शंकर भगवान से। तीन बाण का दान दिया कि बरब्रीक ये तीन बाण रखना हमेशा, एक ही बाण चलाएगा दूसरे के तो हाथ भी नहीं लगावे। एक बाण को धनुष पे धर के छोड़ दिए, ये बाण तेरा जहां भी जाके गिरेगा बीच में आग लगा देगा, सब खत्म। और ये बाण
फिर घूम कर तेरे तरकस में आ जाएगा। शंकर भगवान चले गए। अब बाण तो मिल गया लेकिन धनुष कहां से मिले? दूसरी तपस्या करी दूसरे देवता की, अग्नि देव ने दिया धनुष, अग्नि देव ने दिया धनुष, अग्नि देव ने दिया धनुष जो था गांडीव ते भी भारी। खाटू वाले सामे धनी की कथा सुना दू सारी, खाटू वाले सामे धनी की कथा सुना दू सारी। इसलिए बाबा को तीन बाणधारी कहते हैं। बोलो तीन बाणधारी की। समय बीता, बर्बरी की कला परवीन हो गई और उधर हस्तिनापुर में भाई भाई की लड़ाई बाज जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में होगी शुरू लड़ाई जी। धनुष बाण ले चाल पड़ा ना बिल्कुल देर लगाई जी, धनुष बाण ले चाल पड़ा ना बिल्कुल देर लगाई जी। लेकिन कहता है कि माँ मैं धनुष बाण लेके चल तो दिया, लड़ाई किसकी है? माँ कहते कि बेटा लड़ाई तो अपनों के साथ अपनों की लड़ाई हो रही, फिर माँ मैं किसकी तरफ लड़ू? माँ कहते कि बेटा बर्बरीक तेरे पांडव पांच है दादा और वे कौरव 101 है, उनकी सेना घनी है तू देख लेना क्या। माँ बोली मारा पाड़ा ईना दुश्मन है बलदाई जी, धनुष बाण ले चाल पड़ा ना बिल्कुल देर लगाई जी, धनुष बाण ले चाल पड़ा ना बिल्कुल देर लगाई जी। और माँ के देख बेटा हारे का तू बने सहारा, हारे का तू बने सहारा, न्यू बोली मेहतारी खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दू सारी, खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दू सारी। बोलो जय श्री श्याम श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम श्री श्याम। भक्तो बालक बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चल निकला। पानीपत से पहले समाड़खा पड़ता है, समाड़खा, और समाड़खा के पास एक गांव है पट्टी कल्याणा, और पट्टी कल्याणा के पास गांव है चुलकाना। उस जगह पहुंच जाता है बर्बरीक। आज भी जाओगे तो आज भी आपको प्रमाण मिलेगा, वो पेड़ मिलेगा पिपल का आपको, जो द्वापर युग का आज भी है। सजनों चुलकाना गांव में जब पहुंचा बर्बरीक, वहां से कुरुक्षेत्र कुछ दूरी पर रह जाता है। भगवान कृष्ण जी ब्राह्मण के वेश में आए, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था बर्बरीक 5 मिनट में यह युद्ध निमटा देगा। लेकिन फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा, भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा, और द्रौपदी उसका भी तो खप्पर भरवाना है। भेष बदल के बर्बरीक के सामने आए ब्राह्मण बन के और कहते भाई बच्चे तू चाहता क्या है? कहते कि मैं पांडवों की जीत चाहता हूं। शंकर कृष्ण भगवान बोले कि पांडवों की जीत हो जाएगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा, कोई सूरवीर कोई पराक्रम वीर उसको कुछ दान करना पड़ेगा। लेकिन बेटा तू कौन है? बोला मैं बर्बरीक हूं। अरे तेरे पास तो हथियार भी नहीं है, तीन बाण ले रहा है। भगवान कृष्ण जी बर्बरीक को उकसा के
और बर्बरी की परीक्षा लेने लगे। और कैसे परीक्षा लेते हैं सुनिए। अरे तीन बाण जब देखे हाथ में हंस कृष्ण भगवान दिए, तू कैसा बलशाली है मन बात कठोस पर मान दिए, तू कैसा बलशाली है मन बात कठोस पर मान दिए। बर्बरी कह देगा साहब मैं एक बाण चलाऊंगा सबको मार दूंगा। कृष्ण भगवान बोले प्रमाण दे, इशारा करा के देख ये पेड़, पीपल का यो पेड़ खड़ा जरा बाण उधर ने तान दिए। फिर एक तीर ते बर्बरिक ने पत्ते सारे छान दिए, एक तीर ते बर्बरिक ने वही पत्ते सारे छान दिए। देख वीर की करामात भई, देख वीर की करामात भई, अरे घबराए बनवारी, हटवाले श्याम धड़ी के कथा सुना दो सारी, काटू वाले श्याम धड़ी की कथा सुना दू सारी। अब एक बाण से बर्बरीक ने पत्ते सारे छान दिए, पेड़ पीपल का एक एक पत्ता बाण से छन जाता है। कृष्ण भगवान चालाकी कर गए, एक पत्ते को तोड़कर पैर के नीचे दबा लिया, बाण सब पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण भगवान के पैरों की तरफ आया। बर्बरीक ने बाण पकड़ लिया, बोले महाराज पैर हटा लो ना तो पैर छलनी हो जाएगा। एकदम तक कहते भाई वाह वीर शाबाश। और भक्तों ये सच्चाई है, कभी जाओ तो चुलकाना धाम में गांव में जाके देखना, वो पीपल का पेड़ आज भी है। लगभग 5000 साल हो गए कलयुग को, आज 5000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, आज भी वो पीपल का पेड़ है। और एक एक पत्ता, हर पत्ते पे आपको निशान मिलेगा, आज भी मौजूद है। अब कृष्ण भगवान कहते हैं बर्बरीक तू तो युद्ध को 2 मिनट में खत्म कर देगा, न्यू काम को न साले। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, राम किशन रामबास 100 रुपए देते बाबा श्याम के भगत है। मैं दान मांगने आया सू, मैं दान मांगने आया सू, कर इतना उपकार दिए, इस युद्ध में थारी जीत बने कृष्ण वचन उच्चार दिए, युद्ध में थारी जीत बने कृष्ण ने वचन उच्चार दिए। और कहते कृष्ण भगवान के जीत तब होगी एक सूरवीर की भेंट चढ़े, तू अपना शीश उतार दिए। इतनी बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए बर्बरी के, निबला जी मुझे तो पूरा युद्ध देखना था और आप मेरे शीश का दान मांगते हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एक सूरवीर की भेंट चढ़े कृष्ण ने वचन उतार दिए, तेरा कटा शीश भी युद्ध देखेगा कृष्ण ने अधिकार दिए, कटा शीश भी युद्ध देखेगा कृष्ण ने अधिकार दिए, तेरा कटा शीश भी युद्ध देखेगा कृष्ण ने अधिकार दिए। तलवार लिकाड़ी और हाथ जोड़ के बर्बरी कहते के आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, आप जरूर कोई बहुत बड़ी शक्ति हो, शीश का दान देने जा रहा हूं लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो कि मैं इस युद्ध को देखूं। कृष्ण भगवान ने कहा कि जा तेरा कटा शीश भी युद्ध देखेगा। और हाथ जोड़ कन्या बोले कि अपने असली रूप में आओ। उस समय कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में या तो गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को विराट रूप दिखाया या फिर वीर बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप देखा कृष्ण का, विराट रूप देखा कृष्ण का, विराट
रूप देखा किरसन का, झाकी रूप देखा किरसन का, झटपट नाड उतारी खाट वाले शाम घड़ी की कथा सुना दो सारी, खाट वाले शाम घड़ी की कथा सुना दो सारी। शीश का दान दे दिया, एक बार हाथ उठा दो, शीश के दानी की हारे के सहारे की। बताते कि 18 दिन युद्ध चला महाभारत का, और कृष्ण जी के आशीर्वाद से 18 दिन तक वो युद्ध बर्बरीक के कटे हुए शीश ने देखा। युद्ध समाप्त, वे पांडव अपनी अपनी डींगे मारते, अर्जुन कहता रहा मन्ना घने मानस मारे है, भीम कह रहा मन्ना घना का सिर फोड़ाएगा दाता है, युधिष्ठिर का मन्ना घना का बाले मारे है, नकुल सहदेव अपनी बड़ाई करे, लड़ाई बाजगी किसने घनी मेहनत करी है युद्ध में। कृष्ण भगवान कहते भाई सुनो, तुम्हारा फैसला एक आदमी कर सकता है, कौन? तुम्हारा पोता बर्बरीक, उसने सारा युद्ध देखा है, चलो बर्बरीक के पास चलते। बर्बरीक से पूछा, बताओ बर्बरीक किसने ज्यादा मेहनत करी है युद्ध में? बर्बरीक हंसने लगा, बोला जी ये पांडव दादा जितने मेरे, इन्होंने किसी ने भी एक मुसी का बच्चा नहीं मारा। अर्जुन बोले अरे मन ने तो दुशासन की ऐसी तीसी मार दे, मन फलाने का न्यू कर दिया, मन योग कर दिया। हंस के कहता है कि दादाजी बुरा मानो चाहे भला मानो, तुमने ना कि में भी कराया है, मैंने तो युद्ध में एक सीन देखा है के तुम तो भाटे बने खड़े हो, अरे मेरी दादी द्रौपदी इन बाल खोल रखे है, इतनी लंबी जीव काट रखी है, एक हाथ में खड़ग है एक में कटोरा, मानस ने पकड़े नाड़ काटे खून का डर खून पी जा। ये द्रौपदी कालका का रूप थी सजनों, कालका का जो खप्पर भरवाया कृष्ण भगवान ने नारायण ने, केवल उसी का करा धरा था ये सारा कुछ। अब इतना कहने के बाद बर्बरी की आंखें बंद हो जाती है। पांचों पांडव कहते कि वे इसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जी अपनी योग माया से एक नीला घोड़ा बनाते हैं और उस चीज को नीले घोड़े पर धर दिया और पांडवों को हुक्म दे दिया कि घोड़े को चलता कर रहा हूं मैं, जहां भी ये घोड़ा रुक जाए वहीं शीश को उतार के जमीन में दफन कर देना ये शीश। घोड़ा चलता गया पूरा हरियाणा पार कर गया। ये पहले पंजाब हुआ करता था, हरियाणा हरी का आना, ये भी इसी बात का। चलता चलता राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में घोड़ा आ गया, शीश को उतारा और वहीं दफना दिया और नीला घोड़ा गायब हो जाता है। कृष्ण भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि बर्बरीक तूने मेरे कहने से शीश का दान करा, इस युद्ध में तो तेरा कुछ नाम नहीं होगा, लेकिन जा वरदान दिया कलयुग में तेरी मेरे नाम तक पूजा होगी और जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना तेरा प्रचार बढ़ता जाएगा। सजनों युग बदला, द्वापर युग खत्म, और जब कलयुग आया एक राजा हुआ जिसका नाम था रूप सिंह राजा। खाटू की रियासत उसकी थी। रात के समय राजा रूप सिंह और उसकी पत्नी दोनों को एक ही सपना आता है और सपने में दोनों को दिखाई दिया कि उनके बाग में एक पेड़ के नीचे शीश दफन है। दिन लिकड़ा, खुदाई करवाई तो कलयुग में वो शीश निकला। मंदिर कब बना और क्यों कर बना, आइए प्रमाण के साथ आपको बताता हूं। अरे खाटू नरेश रूप सिंह को
खाटू नरेश रूप सिंह को सपने में दर्श दिखाया जी। लिया कार्ड जमीन ते शीस बाहर फिर दूध से नहलाया जी। कार्ड जमीन ते दूध से नहलाया जी। और कपड़ा शायद श्याम भक्तों को ना पता, मैं बताता हूं। सम्मत 1027 सम्मत 1027 खाटू मंदिर बनवाया जी। कलयुग में कर चमत्कार घनश्याम धनी यस छाया जी। कलयुग में कर चमत्कार घनश्याम धनी यस छाया जी। और पहला भगत आलू सिंह को दे दिया पर्चा। आलू सिंह को दे दिया पर्चा। आलू सिंह को दे दिया पर्चा जो बन गया तेरा पुजारी। खाटू वाले श्याम धनी दी कथा सुना दूं सारी। खाटू वाले श्याम धनी की कथा सुना दूं सारी। और तब से लेकर आज तक बाबा के भक्तों की लाइन बढ़ती जाती है। ये कथा थी बाबा की, एक बार हाथ उठा कह दो जय श्री श्याम। हो जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। ए खाटू वाले बाबा मैं तेरा 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 हो गया। एक बार हाथ उठा सभी कह दीजिए ए खाटू वाले बाबा मैं तेरा हो गया। 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 बोलिए श्याम धनी महाराज की। और अब सभी अपने अपने